हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका कंसल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग अपने पाइथन की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने अब तक अपने काफ़ी बेसिक प्रोग्राम्स देखे। आज हम अपना एक प्रोग्राम देखेंगे जिसका नाम है मैट्रिक्स एडिशन। मींस अगर हमें मैट्रिसेस गिवन हैं, हमें उनको ऐड करके किसी एक नई रिजल्टिंग मैट्रिक्स में डिस्प्ले कराना है उनके एडिशन को, तो वो हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे मैट्रिक्स होती क्या है। बेसिकली मैट्रिक्स का मतलब होता है कि हमने अपने एलिमेंट्स को, अपने नंबर्स को जब हम रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ नोन एज मैट्रिक्स। और वो रोज एंड कॉलम्स हमारे इंक्लूज होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। मीन्स अगर मैं यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल लूँ मैट्रिक्स का कि मैट्रिक्स क्या होती है, सो बेसिकली हमारे कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स होती है और इसमें हमारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने क्या करे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए, यहाँ पे 9 एलिमेंट्स होंगे। ये कहलाती हैं हमारी रोज, ये पूरी रो 1, ये पूरी रो 2, ये पूरी रो 3, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3। तो अगर हम देखें हमारी फर्स्ट रो में 3 कॉलम्स हैं, ऐसी सेकंड रो में भी हमारे 3 कॉलम्स हैं, ऐसी थर्ड रो में भी हमारे 3 कॉलम्स हैं। इसका मतलब ये हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ 3x3। 3x3 क्या है, पहला 3 है हमारा नंबर ऑफ़ रोज, दूसरा 3 है हमारा नंबर ऑफ़ कॉलम्स। मीन्स अगर हमसे कहा जाए कि मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ कि हमारी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, तो यहाँ पे हमारी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की है, 3x3 ऑर्डर की है, क्योंकि इसमें 3 नंबर ऑफ़ रोज हैं एंड 3 नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। 3x3 करेंगे वो हमें कितना मिलेगा, 9। इट मीन्स इसमें हमारे एलिमेंट्स कितने हैं, 9 एलिमेंट्स हैं। लेट्स से ये हमारी मैट्रिक्स है ए। अब हमारी ऐसी ही एक और मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, जो कि है हमारी बी। हमें क्या करना है, इन दोनों के एलिमेंट्स को ऐड करना है और एक सी नाम की मैट्रिक्स में हमें उससे रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले ए और बी को इनिशियलाइज करेंगे, सी मैट्रिक्स जिसमें हमें सेव करना है उसे इनिशियलाइज करेंगे। और एक चीज़ और, जब भी हम ऐसे बात करते हैं अपने प्रोग्रामिंग में, पाइथन प्रोग्रामिंग में, कि रोज एंड कॉलम्स हैं, तो हम हमेशा फॉर लूप का यूज़ करते हैं, वो भी नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप मतलब एक लूप आएगा मेन जो रोज़ के लिए होगा, उसी का एक इनर लूप आएगा जो कि हमारा कॉलम्स के लिए होगा, और उसके अंदर हम अपनी प्रिंटिंग वाली चीज़ करते हैं। सो बेसिकली रोज एंड कॉलम्स के लिए हम नेस्टेड लूप की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी मैट्रिक्स लिखेंगे। मैट्रिक्स हम कैसे लिखेंगे, मैं लिखूँगी ए इक्वल टू, इनको मैं डालूँगी स्क्वायर ब्रैकेट्स में। स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही मैं पहली रो बनाई जिसमें मैंने एलिमेंट्स करी है 1, 2, 3। अब जैसे ही मैं इस वाले से बाहर आऊँगी, मैं कॉमा करके एंटर करूँगी, मैं यहाँ पे अपनी सेकंड रो दूंगी। सेकंड रो में मैंने एलिमेंट्स क्या दिए, 4, 5, 6। फिर मैं इस रो से बाहर आऊँगी, मतलब मैं एक रो को, जैसे लिस्ट दिखाते हैं ना स्क्वायर ब्रैकेट से, तो मैं लिस्ट फॉर्म में लिख रही हूँ एक रो को। तो मैंने यहाँ पे कॉमा दिया, फिर मैं नेक्स्ट लाइन में आई, फिर मैंने यहाँ पे ये यूज़ करे स्क्वायर ब्रैकेट, और मैंने थर्ड रो दे दी अपनी 7, 8, 9। सो बेसिकली इससे क्या हो रहा है, अगर मैं आपको दिखाऊं कि जो ये मैंने ए मैट्रिक्स लिखी है इस तरीके से करके, इससे होगा क्या, बेसिकली इससे हमारी एक ए नाम की मैट्रिक्स क्रिएट होगी। किस फॉर्म में, अगर जैसे हमने अभी देखा था कि हमारी मैट्रिक्स कैसे होती है, तो हमारी क्या होगी, ए नाम की मैट्रिक्स बनेगी जो कि हमारी 3x3 की होगी, उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इट मीन्स ये दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल सेम हैं। इसी मैट्रिक्स को हमने इस फॉर्मेट में लिखा है अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर। हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करे, मेन जो ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं हमने वो इन वाले स्क्वायर ब्रैकेट्स से दिखाए हैं, और ये अंदर की रो को भी हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है। यहाँ पर मैंने कॉमा लगाया है, फिर ये लिखा है, फिर कॉमा लगाया, और फिर यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए हैं। तो इस तरीके से करके मैंने ए मैट्रिक्स दिखाई। अब मैं क्या करूँगी, एक दूसरी मैट्रिक्स लूँगी, लेट्स से बी। इसके अंदर मैं फिर वही काम करूँगी, स्क्वायर ब्रैकेट्स,
ये मेन मैट्रिक्स के स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट लूँगी जो कि हमारे पहले रो को रिप्रेजेंट करेगी। इसमें मैंने एलिमेंट्स ले लिए 10, 11, 12, ये हमारी पहली रो हुई। हमने कॉमा लगा के नेक्स्ट रो के लिए करा। यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करूँगी और यहाँ पे मैं लिखूँगी 13, 14, 15। फिर मैं इसके आगे कॉमा लगा कर फिर नेक्स्ट लाइन में आऊँगी और फिर मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा कर लिखूँगी 16, 17, 18। तो इस तरीके से करके मैंने अपनी दूसरी मैट्रिक्स दिखाई। ये भी सेम उसी साथ ये भी सेम वैसी बनेगी। कैसे? हमारी बी मैट्रिक्स आई। बी मैट्रिक्स के अंदर हमारे क्या क्या एलिमेंट्स आ गए? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। इस तरीके की हमारी ये बी मैट्रिक्स बनी है। अब हम क्या करेंगे, हमें इन दोनों मैट्रिक्स के एडिशन को एक नई मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है, नई मैट्रिक्स में डिस्प्ले करना है, नई मैट्रिक्स में शो करना है। तो एडिशन है तो हम क्या करेंगे, एक सी नाम की मैट्रिक्स लेंगे और उसको इनिशियलाइज कर देंगे। उसके मीन सारे एलिमेंट्स हम क्या कर देंगे, ज़ीरो। जैसे हम वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं एडिशन के लिए, हम वेरिएबल को ज़ीरो से इनिशियलाइज करते थे, मल्टीप्लिकेशन में 1 से करते थे। सेम वही चीज़ है एक तरीके से। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सी नाम की मैट्रिक्स लेंगे, मेन स्क्वायर ब्रैकेट्स लेंगे, उसके अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट्स लेके फर्स्ट रो दी हमने 0, 0, 0, कॉमा लगा के हमने सेकंड रो दी, फिर इसमें हमने क्या दिया 0, 0, 0, फिर हमने कॉमा लगाया, फिर हमने थर्ड रो दी, तो थर्ड रो में भी हमने क्या इनिशियलाइज करा दिए 0, 0, 0। तो इस तरीके से करके हमने क्या करा, अपनी एक थर्ड मैट्रिक्स बनाई सी नाम की, जिसके हमने सारे एलिमेंट्स इनिशियलाइज कराए हैं 0 से। हमने ये काम करा, हमने दो मैट्रिक्स ली, ए बी और एक सी मैट्रिक्स ली जिसमें हमें एडिशन करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लगाएंगे लूप्स, नेस्टेड लूप का यूज़ करेंगे एडिशन करने के लिए। तो मैं लिखूँगी फॉर आई इन रेंज। पहला लूप किसके लिए लगेगा, नंबर ऑफ, पहला लूप हमारा जो होता है वो रोज़ के लिए होता है, सेकंड लूप हमारा कॉलम्स के लिए होता है। तो हम रोज़ कैसे गिनेंगे, हम रोज़ गिनेंगे ए के लेंथ से, कि भाई जो ए मैट्रिक्स है उसकी लेंथ क्या है। तो वो लेंथ कैसे काउंट करेगा, वो रोज़ के हिसाब से ही काउंट करेगा कि पहली रो है, दूसरी रो है, तीसरी रो है, समझे इसमें 3 रो है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे लेन ऑफ ए। लेन फंक्शन क्या करता है, किसी भी उसकी हमें लेंथ कैलकुलेट करके देता है। तो इस लेन ऑफ ए से क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि रोज़ कितनी है, 3 है। ये बी नहीं आना था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा लूप लेंगे इसके अंदर, जिसका हम वेरिएबल लेंगे जे, फॉर जे इन रेंज। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, कॉलम्स। कॉलम्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेसिकली अभी हमने रोज़ ली, रोज़ 1, रो 2, रो 3। अब रो वन के अंदर हम एलिमेंट्स काउंट करेंगे कि भाई रो वन जो है 0, भाई रो जैसे एरे होता है ना, 0 से इनिशियलाइज करते हैं, 0 से काउंट करते हैं, 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स, 0 से शुरू होती है इंडेक्सिंग। एरे में भी सेम है, मैट्रिक्स में भी सेम है, 0 से शुरू होगी, 0th रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो। तो अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे यहाँ पर ब्रैकेट में लेन ऑफ ए, ए ऑफ 0 ले लेंगे हम यहाँ पर। मतलब जैसे इंडेक्स काउंट करते हैं ना, हमने वही करा, उससे क्या होगा, हमें कॉलम्स पता चल जाएंगे कि हाँ भाई अगर हम फर्स्ट रो में जाएँ, 0th रो में जाएँ, तो उसमें हमारे कितने कॉलम्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं। तो इससे हम क्या करेंगे, अपना हमने इस वाले लूप, पहले लूप से रोज देखी, दूसरे लूप से हमने एक पर्टिकुलर रो में कॉलम्स के थ्रू में कॉलम्स पता चले। अब हमें सिंपली क्या करना है, हमें करना है सी ऑफ आई जे, क्योंकि जो हमारी मैट्रिक्स होती है वो रो एंड कॉलम्स का वो होती है ना, रोज ऑर्डर कैसे होता है, रो क्रॉस कॉलम, तो रो कॉलम का कॉम्बिनेशन है। तो हम किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे दिखाते हैं, सी ऑफ आई और जे, मीन्स आई क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ रोज, जे क्या है हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें हम लिख देंगे सी आएगा हमारा कैपिटल, क्योंकि ये सी हमारी मैट्रिक्स दिखा रहा है, तो ये है कैपिटल। इसमें हम क्या डाल देंगे, इसमें हम डाल देंगे
a of i j प्लस बी ऑफ आई जे। मीन्स हमने सिंपली क्या करा, हमने सी मैट्रिक्स में लूप के अंदर हमने ये कह दिया कि सी ऑफ आई जे में क्या चला जाए, ए ऑफ आई जे प्लस बी ऑफ आई जे। ये करने के बाद ये तो हो गया हमारा लूप, जो ये नेस्टेड लूप हमने लगाए हैं, ये हमने लगाए हैं दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए। अब हम चाहते हैं कि हमारे सी मैट्रिक्स प्रिंट हो, तो सी मैट्रिक्स प्रिंट होने के लिए हम क्या करेंगे, एक नया लूप लगाएंगे यहाँ पे। इन दोनों लूप से बाहर आने के बाद जब ये लूप हमारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम लिखेंगे फॉर। अब सी नाम की मैट्रिक्स से तो हम मान लेते हैं कि इसके लिए हम कौन सा वेरिएबल ले रहे हैं, स्मॉल सी। तो फॉर सी इन सी, और यहाँ पे हम सिंपली क्या कर देंगे, प्रिंट सी। ये है हमारा प्रोग्राम। इसमें हमने क्या करा है, समझे, हमने ए मैट्रिक्स इनिशियलाइज कराई, हमने बी मैट्रिक्स इनिशियलाइज कराई, हमने एक सी मैट्रिक्स लिए। सी मैट्रिक्स क्या है, हमारी वो मैट्रिक्स है जिसमें हमारा इन दोनों ए और बी मैट्रिक्स के एडिशन आना है, इसीलिए हमने इसे 000 एलिमेंट से इनिशियलाइज कराया है। अब जब यहाँ, जब हमेशा याद रखना, जब भी रोज एंड कॉलम दोनों की बात होती है तो हमेशा नेस्टेड लूप का यूज़ होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या करा है, इसीलिए हमने यहाँ पर नेस्टेड लूप का यूज़ करा है। पहला लूप है रोज के लिए, दूसरा लूप है कॉलम्स के लिए, और इनके अंदर हमने क्या करा, नॉर्मली एडिशन प्रिंट करा दिया, एडिशन कर दिया, और फिर इस नेस्टेड लूप से बाहर आने के बाद हमने सी मैट्रिक्स को हमें प्रिंट कराना था इन फॉर्मेट्स में, इसीलिए हमने एक और लूप लगाया। मैट्रिक्स का नाम सी था इसलिए हमने वेरिएबल, ये लूप वेरिएबल को भी हमने स्मॉल सी ले लिया, और हमने प्रिंट सी जैसे ही करके, हम जैसे ही इसे अपना रन करेंगे हम देख सकते हैं हमारी मैट्रिक्स प्रिंट हो गई, ये सारे एलिमेंट्स ऐड हो गए। एलिमेंट्स ऐड कैसे हो गए, 10 + 1 = 11, 11 + 2, मतलब वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड हुए हैं, मतलब ए मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट बी मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड हुआ है, ए मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट बी मैट्रिक्स के सेकंड एलिमेंट के साथ ऐड हुआ है। तो 10 + 1 = 11, 11 + 2 = 13, 12 + 3 = 15, ऐसे 13 + 4 = 17, 18 + 9 = 27। तो इस तरीके से करके हमारी ये मैट्रिक्स प्रिंट हो गई है। ये हमारी क्या है, ये हमारी मैट्रिक्स की सी मैट्रिक्स की फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, और ये भी कितने के ऑर्डर की बनी है, 3×3 की। अच्छा एक चीज़ याद रख, और चीज़ हमें याद रखनी है कि हम मैट्रिक्स के एडिशन तभी कर सकते हैं, किसी दो मैट्रिक्स को मैच तभी कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर एग्जैक्टली सेम होंगी। मीन्स अगर हमारी ए मैट्रिक्स 2×2 की है तो हमारी बी भी 2×2 की होनी चाहिए। ए मैट्रिक्स अगर हमारी 3×4 की है, 3×4 मतलब 3 रोज हैं उनमें और 4 कॉलम्स हैं, तो बी मैट्रिक्स भी हमारी 3×4 कॉलम की ही होनी चाहिए। मीन्स दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा एग्जैक्टली सेम होना चाहिए तभी हम अपने मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स एडिशन के प्रोग्राम में हमने क्या करा, आई होप क्लियर हुआ होगा, हमने दो मैट्रिक्स ली, उनको इनिशियलाइज कराया, थर्ड मैट्रिक्स जिसमें हमें ऐड करना था उसको हमने ज़ीरो से इनिशियलाइज कराया है, हमने यहाँ पर नेस्टेड लूप लगाया क्योंकि हमें रोज एंड कॉलम्स दोनों चाहिए थे। पहला फॉर लूप रोज के लिए, दूसरा फॉर लूप कॉलम्स के लिए, फिर उसके अंदर हमने एडिशन लिखा, और फिर उन लूप्स दोनों लूप से बाहर आने के बाद हमने थर्ड लूप का यूज़ करा उस थर्ड मैट्रिक्स को प्रिंट कराने के लिए। तो हमने नॉर्मली उसे प्रिंट करा दिया तो हमें यहाँ पे आउटपुट में क्या मिल गया, हमारी थर्ड रिजल्टेंट मैट्रिक्स एडिशन के बाद। तो इस तरीके से करके हम अपने मैट्रिसेस को ऐड करा सकते हैं। सो आई होप इट इज़ क्लियर। So, thanks for watching my video.